तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आरोमा ऑफ फूड। तो दोस्तों आप सब कैसे हो, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। तो चलो दोस्तों आज हम बनाते हैं सूजी के लड्डू यानी रवा के लड्डू। तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही सॉफ्ट बनने वाले हैं, तो चलो बनाना शुरू करते हैं। ये है डेढ़ कटोरी, डेढ़ कप सूजी और एक कप चीनी पीसी, 3 चम्मच नारियल का बुरादा, ये लीम इलायची का पाउडर, लीम काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश। आप चलते हैं इन सब चीज़ों को साइड में रख देंगे और ली हूँ घी, जितना हमें ज़रूरत पड़े उतना हम इसमें से घी ले लेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर रख दिए हैं कढ़ाई। आप किसी भारी तले वाले कढ़ाई में अगर बनाओगे तो अच्छा बनेगा, ये नॉन स्टिक हो तो उसमें भी अच्छा बनेगा, ये नॉन स्टिक है हमारा। तो अब हम चल रहे हैं बनाने इसको। तो हम रख दिए गैस पर, गैस जला दी। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून घी, यानी 2 चम्मच घी डालेंगे, 1 चम्मच और 1 चम्मच और डाल दे रहे हैं, 2 चम्मच डालेंगे। इसमें हमें ये जो ड्राई फ्रूट रखे हैं उसको थोड़ा रोस्ट करना है, बस और कुछ नहीं करना है। थोड़ा इसको ऐसे हिला दे रहे हैं ताकि घी सारे में फैल जाए। अभी हम डाल दे रहे हैं काजू। सबसे पहले इसका कलर नहीं चेंज करना, बस इसमें हल्की सी खुशबू आ जाए, बस इतना ही हमें करना है। इसमें डाल दिए हम बादाम। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो, यानी जो ड्राई फ्रूट हो आपके पास आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास ये था तो हम इसको डाल दे रहे हैं। अभी हम डाल दिए पिस्ते को। अब इसको भी थोड़ा चला लेंगे, बस 2 मिनट इसको चलाना, उसके बाद देखो इसको हम सारे को निकाल ले रहे हैं, सारी चीज़ों को। ये हल्की रोस्ट हो गई, यानी इसमें खुशबू अच्छे से आने लगी। अब इसको निकाल लेना है, तो इसी जो घी बचा हुआ है इसी में हम फ्राई करेंगे अपना वो क्या कहते हैं किशमिश। किशमिश को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करना, उसको भी इसे फूल जाएगी भी देखना। इसको डालते ही थोड़ी देर चलाएंगे, बस ये फूलना शुरू हो जाएगी। देखो ऐसे ही कुछ इसको चला देना है और बहुत जल्दी बन जाता है ये लड्डू, आप इसको ज़रूर बनाना। देखो इसको ऐसे रोस्ट कर लिए। अब इसको भी हम निकाल लेंगे सारा इसी प्लेट में, सारा ये प्लेट में इसको भी निकाल ले रहे हैं। यहाँ पर गाड़ियाँ यार बहुत चलती हैं। और देखो हम गैस का फ्लेम मीडियम करिए और 4 चम्मच इसमें हम घी डाल देंगे, क्योंकि 1 चम्मच उसमें पहले से था, तो समझो 1/4 कप घी इसमें चला गया। अब घी के गर्म होते इसमें हम सूजी डाल दें, 1.5 कप सूजी ली हूँ, जो कप ली हूँ चीनी भर के उसी कप से 1.5 कप सूजी है। अब इसको ऐसे हल्की गैस धीमी करके उसी पर से भूनेंगे, उसको हमेशा चलाते रहना, इसको हाथ नहीं रोकना, नहीं तो जलना शुरू हो जाएगी। इसका कलर हमें नहीं चेंज करना, बस इसमें हल्की सी खुशबू आने लगेगी और कच्चापन निकल जाएगा, बस इतना ही हमें इसको भूनना है, ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है। ऐसे इसको देखो धीरे चला रहे ना, इसको चलाते रहना, हाथ नहीं रोकना है। एकदम गैस का फ्लेम धीमी कर दिए, इसमें हम डाल दिए नारियल का बुरादा। अगर आपके पास वो डालना हो कोई ज़रूरी नहीं है, बस वो डालने से थोड़ा स्वाद और बढ़ जाएगा। 3 चम्मच रखे थे इसको डाल दे रहे हैं हम। और दोस्तों वीडियो हमारी पसंद है तो वीडियो को हमारी लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़, और बेल आइकन दबा देना ताकि जो नई वीडियो डाले आप तक पहुंच जाए, वो बिल्कुल फ्री है। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी कर दें, अगर कमेंट करते हो आप लोग तो हमारा हौसला बढ़ता है कि हाँ चलो आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आ रही है। ऐसे तो हम समझ नहीं पाते कि वीडियो हमारी पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। अब देखो हम इसमें डाल दे रहे हैं चीनी, पिसी हुई चीनी, 1 कप भर के चीनी है ये। इन सब चीज़ों इन सबको हम डाल दे रहे हैं इसमें। अब इसको डाल के चलाएंगे, अभी जो ये बचा रखे इसको भी डाल दे, इसको भी डाल दे रहे हैं। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी हो तो आप साबुत चीनी भी डाल सकते हैं, वो भी ऐसे डलेगी, जितना हम डालें उतना डलेगा। देखो उसे चला दे रहे हैं। अब इसमें हम दूध की मलाई रखी हूँ, जो दूध नहीं पकाते घर में उसे दूध की मलाई रखी हूँ, 2 चम्मच है, बस ज़्यादा नहीं है, 2 चम्मच है। इसको हम डाल दे रहे हैं, इसको डाल के भी चला देंगे। अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप ऐसे ही बना सकते हैं या दूध डाल सकते हैं। अभी इसमें हम थोड़ा दूध भी डालूंगी, 2-3 चम्मच इसमें दूध भी डालूंगी। सारी मलाई को इसमें हम डाल दिए, मलाई इसलिए डाल रहे हैं कि हमें खोया या कि मिल्क पाउडर कुछ डाल नहीं रहे, इसलिए मलाई डाल दे रहे हैं थोड़ा सा। अगर आप दूध डाल दोगे तब भी अच्छा है। अभी डाल दें इलायची का पाउडर 1/2 चम्मच। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद हो तो ठीक रहे, तो आप गुलाब जल डाल सकते हैं, यानी गुलाब केवड़ा वाला जो होता है उसको डाल सकते हैं, केवड़ा जल। अब देखो इसको हम मिला दे रहे हैं, इसमें 3 चम्मच हम दूध भी डाल दिए। अब इसको इसे चलाते रहेंगे। जो ये ड्राई फ्रूट रखे हुए रोस्ट करके ना, इसको भी डाल दे रहे हैं, यानी काजू बादाम किसमें जो रखी हूँ इसको डाल दें, इसको सबको अच्छे से मिला दूँगी।
और कुछ देर के लिए चलाऊँगी जब तक कि चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट नहीं होती है। गैस एकदम बिल्कुल धीमी रखी हूँ, तेज़ नहीं रखी हूँ, धीमी गैस रखना है। अगर सारी चीज़ें हमारी मेल्ट हो जाएंगी अच्छे तभी इसको हम निकालेंगे, ऐसे कुछ देर तक चलाते रहेंगे इसको। अगर साबुत चीनी लगे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर जो पीसी हुई चीनी है जल्दी जल्दी पिघल जाएगी। इसको यार एक बार ज़रूर बना के ट्राई, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है, पता है आपको लड्डू बहुत पसंद आते हैं बच्चों को। देखो सारे गैस हम बंद दिया, अब बंद कर दिया हम, अब इसको हम एक प्लेट में निकाल ले रहे हैं और हल्का ठंडा होने तक इसको हम छोड़ देंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे। हल्का ठंडा हो जाएगा तो इसका हम लड्डू बनाना शुरू कर देंगे। अब इसको हम नीचे रख ले रहे हैं, एक प्लेट ली हूँ हाथ में, थोड़ा सा हल्का सा घी लगा लूँगी, बस ज़्यादा नहीं लगा, थोड़ा लगा लूँगा। इसको इसे हल्के से हाथों से बना लेना है, बहुत जल्दी बन जाता है, कोई परेशानी नहीं होती इसको बनाने में और बहुत मस्त लगता है। देखो इसको इसे हाथ से हम इसको इसे बना दे रहे हैं। अगर आपका एक साइज़ का नहीं बनता तो आप कोई चम्मच लीजिए, चम्मच में भर भर के बनाइएगा तो एक नाप का लड्डू बन जाएगा, यानी एक साइज़ का। तो हम इसे हाथ से बना दे रहे हैं, एक लड्डू बना कर दें, दूसरा ही बना ले रहे हैं। अभी थोड़ा गर्म है ना इसलिए हाथ में थोड़ा लग रहा है। देखो दो लड्डू हमारे बन गए ना, इसी तरह से हम सारे लड्डू बना के तैयार करूँगी। देखो सारे लड्डू हमारे बन के तैयार हो गए, लग रहे हैं देखने में बहुत ही बेहतरीन और खाने में बिल्कुल मस्त लगते हैं और सॉफ्ट भी हैं बहुत। तो इसको आप ज़रूर अपने घर पे बना कर ट्राई कीजिएगा एक बार। देखो ये कभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बना हुआ है और कितना मस्त है। अब वीडियो पसंद आए तो यार लाइक ज़रूर करना। देखो एक चल रहे हैं, अब हम तोड़ने इसमें से उठा के पास से बिल्कुल दिखा देने, कितना मस्त लग रहा है, देख रहे हैं मुँह में पानी आ रहा है। तो इसको अब हम तोड़ने चल रहे हैं एक, देखो कितना दिख रहा है, देखो अब तोड़ने चल रहे हैं, एक दो तीन टूट गया। वाह कितना मस्त लगा देखने में और खाने में बहुत मस्त लगा, कम खर्चे में बन जाता है। तो चलिए आप भी बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।